हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक सॉइल माइक्रोब्स। सॉइल माइक्रोब्स यानी सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स। बहुत सारे माइक्रोब्स का घर सॉइल होती है, जो कि और जो माइक्रोब्स सॉइल में रहते हैं वो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी जनरेशन करते हैं, मतलब बहुत सारी साइकिल्स परफॉर्म करके, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन साइकिल को फॉलो करके मतलब एनर्जी जनरेट कराते हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो मैकेनिज्म, बहुत सारे प्रोसेसेस जो सॉइल में होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर। मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ और बैक्टीरियोफेजेस ग्रुप के। बैक्टीरिया मिट्टी में सॉइल में सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका बायोमास ज़्यादा होता है, प्रोबेबली इक्वल 1/2 ऑफ माइक्रोबियल बायोमास। अगर टोटल मतलब जितने माइक्रोब्स होंगे उनमें से आधे बैक्टीरिया होंगे। जनरली हॉरिजन ए, जो मिट्टी की हॉरिजन ए प्रोफाइल होती है, उसमें ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं बी और सी के कंपैरिजन में। बैक्टीरिया जो सॉइल में पाए जाते हैं वो होते हैं कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरली। इन सॉइल देर आर एरोबिक और एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड। मिट्टी के अंदर एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं सीडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम एट्सेट्रा। मोस्ट कॉमन मिक्सोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं मिक्सोकोकस, साइटोफेज। दे आर सेल्यूलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब वो सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, सेल्यूलोज रिच एनवायरनमेंट में होते हैं। एंड साइनोफिसी, ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे आर फोटोट्रॉफिक एंड यूज CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। और जो एल्गे होते हैं वो फोटोट्रॉफिक होते हैं और CO2 यूज़ करते हैं एटमोसफेयर में। मिट्टी के अंदर एल्गल ग्रुप पाए जाते एल्गे ग्रुप पाए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म का, एग्जाम्पल कोलेरा, क्लोरोकोकम, उडिगोनियम, क्लाइमेडोमोनास एट्सेट्रा। मोस्ट ब्लू ग्रीन एल्गे जो पाए जाते हैं सॉइल में, उनका एग्जाम्पल है एनाबेना एंड नॉर्थ स्टॉक। दीज एल्गे पोजेस स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये जो एल्गे होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है हिट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में अहम भूमिका निभाता है। जो चावल के खेत में आपको पता है बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होती है, तो जो पानी इकट्ठा हुआ होता है राइस की फील्ड में, वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। फिर प्रोटोजोआ, सॉइल प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर। जो सॉइल में प्रोटोजोअल ग्रुप है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, वो यूनिसेल्युलर होता है और जनरली लैक करता है क्लोरोफिल। जो ये जो प्रोटोजोआ ग्रुप होता है, ये फ्लैजेला प्रोटोजोन्स होते हैं, क्लास मेस्टिगोफोरा को से होते हैं। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और जनरली क्लोरोफिल उनमें नहीं होती है। ये फ्लैजेला प्रोटोजोअन होते हैं जो कि मेस्टिगोफोरा क्लास से बिलोंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये ही सॉइल में होते हैं। फिर मोस्ट प्रोटोजोअन्स के एग्जांपल हैं स्पोरोगोमोनास, सर्कोमोनास एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे भी प्रोटोजोअन्स होते हैं जो फ्लैजेला के अलावा सीडोपोडियल मूवमेंट से मूव करते हैं, मतलब जब मूव करते हैं सीडोपोडिया के थ्रू, एग्जांपल अमीबा, बायोमिक्सा एट्सेट्रा। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं अपर लेयर इन द सॉइल में होते हैं, और उनका नंबर डायरेक्टली डिपेंड करता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन पे। ऑर्गेनिक मैन्योर्स डाल के हम सॉइल प्रोटोजोअन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। फिर बैक्टीरियोफेजेस ऑर्गेनिजम्स होते, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी सॉइल में, ये सबसे स्मॉलेस्ट इनहेबिटेंट्स होते हैं, मतलब सॉइल में रहने वाले सबसे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और ये अटैक करते हैं और इनहेबिट करते हैं बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज़ की सेल्स को, मतलब ये उन पर अटैक करेंगे और उनको खुद ख़त्म करके अपनी जगह बनाते हैं। जो फेजेस अटैक करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे को, उनको साइनोफेजेस भी बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेज उनकी बैक्टीरिया फिल्टर के थ्रू पास हो जाते हैं और उनका लाइसिस करके होस्ट के अंदर प्लैक्स फॉर्म करते हैं।
होप कि आपको सॉइल माइक्रोगैनिज्म टॉपिक समझ आया हो कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है. सॉइल होता है वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, मतलब सॉइल के जितने भी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं सब टोटली इन्हीं माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट होती हैं. ये ह्यूमस फॉर्म करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, फिर उन सब के बारे में आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.